इंदौर के अर्रम थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में वाहन के कांच फोड़ने को लेकर दो पक्षों का विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में वाहन के कांच फोड़ने को लेकर दो पक्षों का विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसमें एक पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की गई तो दूसरे पक्ष के लोगों ने कार से कुचलने का प्रयास किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल प्रकरण थाना एरोड्रम के क्षेत्र का है, जहाँ के जो अनाज मंडी है वहाँ पर यह विवाद हुआ है, जहाँ के एक वाहन में के कांच टूटने को विवाद को लेकर के पहले एक पक्ष के साथ कुछ एकत्रित लोगों के द्वारा मारपीट की गई और उसके बाद फिर द्वितीय पक्ष के व्यक्ति के द्वारा प्रथम पक्ष के दो व्यक्तियों को अपनी गाड़ी से घायल किया गया है। लापरवाही से वाहन चलाकर उन्हें चोटिल किया गया। पुलिस ने इसमें दो तरफा प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। पहले प्रकरण में जो वाहन चालक था उसके विरुद्ध धारा 308 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध का पंजीयन किया गया है और इसी तरह से द्वितीय पक्ष के विरुद्ध भी धारा 323 294 506 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मंडी जैसे स्थान पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए योजना बनाई है, व्यवस्था बनाई है। इसमें शीघ्र ही आरोपियों की अरेस्टिंग होगी और इन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।